हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं कुछ और कोर्सेज़ के। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 9 जुलाई को कौन कौन से एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद एडमिशन रिज़ल्ट 2019 वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट का पेज खुल जाएगा, फिर आपको अपना सेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोग्राम कैटेगरी, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मास्टर्स कोर्सेज़ की। सबसे पहले तो यहाँ पर मास्टर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों MCA का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं MCA कोर्स, ये हमने सेलेक्ट कर लिया MCA कोर्स। सर्च बटन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, इस पर हम ओपन करेंगे। ये हमारे सामने PDF ओपन हो चुकी है 9 जुलाई की, ठीक है। इसकी जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं 15 से 19 जुलाई तक करनी है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपको जाना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। इनके ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी आपको लेकर जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, PDF में आपको मिल जाएगी। और सीट वैकेंट होने के बाद यदि सेकेंड लिस्ट आएगी तो वो 22 जुलाई को आएगी, यदि सीट वैकेंट रहती हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम कट ऑफ की, तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 45.50, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 36.50, 31.50 गई है मुस्लिम OBC और मुस्लिम ST के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए 28.50। MCA की हम बात कर रहे थे। और फिर नीचे आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर यदि शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो रिज़ल्ट आपको जो एडमिशन डेट है वहाँ पर पहुँच जाना है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ, जो कि कैटेगरी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। दोस्तों, एक्टिंग के अंदर जो यहाँ पे कोर्स था, हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्टिंग के नाम से यहाँ पे जो कोर्स था सेल्फ फाइनेंस वाला, इसका रिज़ल्ट आ गया है। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें भी सारी डिटेल आपको जानने को मिल जाएगी। कट ऑफ से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, आपका जो भी सीरियल नंबर है, यदि आप शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं तो आपको 11, 12 और 13 जुलाई को इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ओके। यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप, और यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो अवेलेबल हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले रिज़ल्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम दोबारा बात करेंगे मास्टर्स कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर MBA सेल्फ फाइनेंस वाला कोई कोर्स था, उसका रिज़ल्ट आया है। तो फिलहाल हम पहले मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं MBA का। इससे पहले दोस्तों MA भी कोई सा रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ था। तो यहाँ पर MA में जर्नलिज्म का रिज़ल्ट मेरे ख्याल में डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, पहले मास कम्युनिकेशन का देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था 3 जुलाई को, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। MA कन्वर्जन जर्नलिज़म, इस पर क्लिक करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, हाँ। तो यहाँ पर MA कन्वर्जन जर्नलिज्म का भी रिज़ल्ट अवेलेबल हो गया है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे MA कन्वर्जन जर्नलिज्म का खुल चुका है। यहाँ पे इंटरव्यू की डेट 15, 16 और 17 रखी गई है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो लिखे हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो अवेलेबल है सेलेक्टेड कैंडिडेट की, जो कि इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। इसके अलावा दोस्तों MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा है सेल्फ फाइनेंस वाला, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और MA अर्ली चाइल्डहुड का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसमें भी इंटरव्यू होगा, इसमें भी आप इंटरव्यू की डेट चेक कर सकते हैं अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। दोस्तों लास्ट में आपका MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस सेल्फ फाइनेंस वाला का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, इसमें भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कैंडिडेट को। तो आप यहां पर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के रिज़ल्ट से रिगार्डिंग अपडेट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका रिज़ल्ट इस वाली वीडियो में नहीं मिला आपको, तो हो सकता है इससे पहले मैंने वीडियोस बना रखी हैं उस पर मिल जाए, या फिर आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाए। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वेबसाइट पर चेक करते रहिए कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।